हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस। अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर। दिस इज लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बहुत ही जोश के साथ और बहुत ही होश के साथ, और बहुत ही ठोक कर हम करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी से करने लग गए क्योंकि बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, इसलिए हम अभी से इस प्रिपरेशन के अंदर आ गए हैं। प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन में भी आपका स्वागत है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, या आपने किसी इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स पढ़ी आपको समझ में नहीं आई है, राइट, या फिर आपको नोट्स बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको मिले नहीं है, ठीक है, वही सड़े गले से रिडंडेंट से नोट्स आपके पास है, राइट, तो आपके लिए ये एक नया कोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में से पढ़ी है, आपको पता है मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या है, वो सिर्फ 20 से 30% है जो भी अभी तक ओपन प्लेटफॉर्म्स पे हो, 20 से 30% है। उसके बाद क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, किस तरह से 100% कंप्लीट इकोनॉमिक्स आप इसके अंदर पढ़ें, जिसके अंदर स्पेशल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, योजना, कुरुक्षेत्र और बहुत सारी जो बजट इकोनॉमिक्स सर्वे, इनमें से तुम्हारा नोट्स बनाया गया है, ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आर देयर, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही लूसिड मैनर के अंदर। तो दिस इज व्हाट नया इकोनॉमिक कोर्स, आप सभी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उसको देखें, उसके अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं ये आपको पता चलेगा उसके अंदर से, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। सर आप बोल रहे हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स की जगह चमगादड़ का है लटका दिया आपने, चमगादड़ इसलिए लटका दिया बिकॉज यही है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, और ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स की इस चमगादड़ की विडंबना है कि है तो चमगादड़ पर इसका मुंह देखो भगवान ने किसकी तरह दे दिया, फॉक्स की तरह दे दिया, तो इसीलिए इसको क्या करता है फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है कि उड़ती हुई एक तरह से लोमड़ी है ये, राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर इसके बारे में हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के अंदर, ठीक है। अभी न्यूज़ के अंदर ये था क्योंकि इनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं, दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज, राइट। तो देखो पेट्रोपस गिगांटस ये इनका नाम है, साइंटिफिक नाम, इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लार्ज साइज, लार्ज साइज क्या है, और फॉक्स लाइक फेशियल फीचर्स। देखो किसी बैट को आपने इतना बड़ा नहीं देखा होगा, तो बैटमैन की तरह बिल्कुल पूरा का पूरा फैला हुआ है, राइट, और फॉक्स की तरह किसी की शक्ल, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर फॉक्स लाइक फेशियल फीचर है, डार्क ब्राउन ग्रे और ब्लैक बॉडी है, राइट, ऑफन विद अ डिस्टिंक्टिव येलोइश मेंटल, येलोइश मेंटल मतलब ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो येलो कलर का है, राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है दैट इज इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है। इसके अंदर एक और खासियत है, मेल जो होते हैं ना वो बड़े होते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं फीमेल से, ठीक है, ये भी इसके अंदर खासियत है, मेल्स आर जनरली लार्जर देन फीमेल्स, ऐसा तो पूछा नहीं जाता बट फिर भी आप एक बार देख लें कहीं एक इवन ऑफ द ऑप्शंस के अंदर इसको डाल दिया जाए। अब इसको मेन चीज अपन को जो याद करनी है ना ये है कि वर्मिंस है, वर्मिंस का मतलब क्या है, बड़े ही, वर्मिंस का मतलब बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, किसके लिए हानिकारक होते हैं, एक क्रॉप्स के लिए बड़े हानिकारक होते हैं, ठीक है, तो वर्मिंस की कैटेगरी के अंदर इनको क्लासिफाइड करा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वर्मिंस का मतलब क्या है, इनको मारा जा सकता है, सरकार इनको मार सकती है, ठीक है, मारने के लिए प्रोविजन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये किस कौन सी क्रॉप के लिए खतरनाक है, ये जो फ्रूट का बगीचा होता है ना, पूरे फ्रूट्स का बगीचा, उसको पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा शरारती, इतने ज्यादा अगर आप देखेंगे तो हानिकारक है फ्रूट्स के लिए, तो ये बगीचे को पूरे के पूरे बगीचे को एक्सटेंसिव डैमेज कर देते हैं बगीचे को, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको एक तरह से पेस्ट की तरह ट्रीट करा जाता है, और पेस्ट को पेस्टिसाइड से मार दिया जाता है, राइट, इसी तरह से इसको वर्मिंस को भी इस तरह से आप मार सकते हैं, इसके लिए पॉलिसीज आप बना सकते हैं। दूसरा, एक तो ये है, दूसरा जान को भी खतरा है इससे, ठीक है, कैसे, क्योंकि निपाह वायरस आपने सुना होगा केरला के अंदर, इसने बिल्कुल तबाही मचा दी थी, ठीक है, इसको प्रमोट करने का काम ये करते हैं, राइट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स करते हैं, राइट, कैसे ये स्प्रेड करते हैं डिजीज को, वायरस को ये स्प्रेड करते हैं, और यहाँ से फिर क्या होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर ये वायरस आ जाता है, तो इसके कारण दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक तो ये वर्मिंस की कैटेगरी के अंदर इनको डाला गया है बिकॉज ये पूरे की पूरी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, फ्रूट्स के बगीचों के पूरा तहस नहस कर देंगे, और दूसरा निपाह वायरस भी ये फैलाते हैं, तो बहुत ही खराब है ये, राइट। तो अपन देखें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, लोमड़ तो होती ही खराब है, ठीक है, कंसीडर एज अ वर्मिन, कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द फ्रूट ऑर्किड्स एंड आर देयरफॉरली कंसीडर्ड पेस्ट इन दिस रीजन, दे मे ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज पर्टिकुलरली द निपाह वायरस, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। ये देखो इस तरह से एक बार लूंगे ना तो पूरा का पूरा बगीचा ही खा के जाएंगे, राइट। अच्छा ये एक बात और समझो कि एक इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि सब बुराई है कि भाई इसके अंदर मेरे फ्लाइंग फॉक्स के अंदर बुराई दिखती है आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है,
इसके अंदर एक भलाई भी है। ये देखो फूल के ऊपर लूमा पड़ा है, ठीक है, फूल के ऊपर लूमा पड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, इसके सीड डिस्पर्जन का काम करता है और इसके कारण पॉलिनेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन होने के कारण सीड का क्या होता है, सीड डिस्पर्जल पॉलिनेशन करने के कारण क्या होता है, बहुत सारे ये ट्रीज जो होते हैं, ये जो फ्लावर प्लांट से बहुत सारे उगते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह सीड को देता रहता है, ठीक है। आप देखेंगे सीड एक प्लांट के अंदर भी दोनों होते हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पॉलिनेट करके यहाँ के जो आप देखेंगे जो इसको पॉलिनेट करके पॉलिनेशन करके इस तरह से क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, राइट। और इसके अलावा ये सीड की ग्रोथ को भी, सीड को डिस्पर्जल भी करता है, डिस्पर्जल करने के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह तक सीड जाएगा तो सीड का ग्रोथ होगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दीज आर द बैट्स एक्टिंग एज ए की स्टोन स्पीसीज, इसलिए इनको की स्टोन स्पीसी कहा जाता है। मैंने बताया की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, नॉन फॉर देयर नेक्टर एंड द फ्रूट ईटिंग हैबिट्स। तो इससे क्या होता है, इससे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जल, देयर बाय प्लेइंग ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ एंड द बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा सर ये पाए कहाँ जाते हैं, अगर हम देखें तो पेट्रोपस गिगेंटस, ठीक है, जो कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, अकर्स इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द साउथ सेंट्रल एशिया फ्रॉम द पाकिस्तान टू चाइना एंड एज फार एज साउथ एज द मालदीव आइलैंड, ठीक है, ये आप इसके अंदर देख लो। अब इनका हैबिटेट देखें तो ये फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। चमगादड़ कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, और इतना बड़ा चमगादड़, ठीक है, वो भी फॉक्स के मुंह वाला चमगादड़, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है और स्वैम्पी एरियाज के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ ट्रीज हैं, जैसे बनियान ट्री होता है, ठीक है, फिग ट्री होता है, राइट, इसके ऊपर ये इनका नेचुरल हैबिटेट होता है, राइट। चलो, रूस्टिंग ट्रीज आर यूजुअली इन द विसिनिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर, लार्ज ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल रूस्ट इन द ट्रीज सच एज बनियान, फिग और टेमारिंड, राइट। दिस एनिमल्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड द स्वैम्प, फॉरेस्ट और स्वैम्प एरिया के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस देखिए तो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड साइट्स के अंदर अगर हम देखेंगे, साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स सेकंड के अंदर आते हैं, सॉरी, ठीक है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी शेड्यूल सेकंड के अंदर ये आते हैं, ये वर्मींस कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसने शेख हसीना की जिंदगी छीन ली, ठीक है, सुख चैन उसके छीन लिए शेख हसीना के, ठीक है। और शेख हसीना ये बोल रही है कि इसी आइलैंड के कारण मेरी प्रधानमंत्रीशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप जो है मेरी चली गई है, राइट। क्यों चली गई है, क्योंकि यूएसए ने कहा था कि ये आइलैंड हमको दे दे ठाकुर, और उसने कहा था कि नहीं, तो उसने फिर उसके दोनों हाथ काट दिए, राइट। इसी तरह से शेख हसीना से भी बोला गया कि ये आइलैंड हमें दे दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज गब्बर सिंह, और ये जो है क्या नाम था उनका, ठाकुर जी है, राइट, शेख हसीना। और शेख हसीना को बोला कि भाई हमको ये आइलैंड दे दो, सेंट मरीना मार्टिन आइलैंड दे दो, तो उसने मना कर दिया और सेंट मार्टिन आइलैंड इसलिए न्यूज के अंदर आ गया, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कि ये बांग्लादेश के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के अंदर ये एक बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री, मैंने आपको बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ सबसे पहले कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स जो है उसके साथ बाउंड्री है, और ये बताओ सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री किसके साथ है और सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है बांग्लादेश की, ये आप इसके अंदर मेरे को बताएंगे। 5 स्टेट है, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने वीडियो देखा और कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा। अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे, बिलीव मी, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको पार्टिसिपेट करना होगा, चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा, लिख दोगे तो याद रह जाएगा, इसलिए आपसे लिखवा रहे हैं। नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, मत करो, कमेंट में मत लिख के कॉपी में लिख लेना। जिसने नहीं लिखा वो मैं आप गारंटी लेके बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर अभी तक अभी से आप सीरियस नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको लिखना जरूर है आपको कि यहाँ पर बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स की बाउंड्री है, इंडियन स्टेट्स की बाउंड्री है, और दूसरा ये लिखना है सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है और सबसे छोटी बाउंड्री किसकी है, राइट। ये देख लो भाई, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी दिक्कत आ जाती है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है बांग्लादेश यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये वाला पोर्शन ये वाला है, राइट। इसके अगर नीचे चलोगे थोड़ा सा और साउथ के अंदर चलोगे तो यहाँ पर सेंट मरीन आइलैंड है, मार्टिन आइलैंड है। ये सेंट मार्टिन आइलैंड है ना, बड़ा ही खूबसूरत आइलैंड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता था, ऐसा शेख हसीना का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर उसको कंट्रोल हो, राइट, जिससे कि क्या हो, जिससे कि वो अपना नेवल बेस और इस तरह का कुछ बना ले, राइट। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये स्थित है सेंट मार्टिन आइलैंड। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, इस कहानी को अपन समझेंगे। सेंट मार्टिन आइलैंड लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल
इज ए स्मॉल कोरल आइलैंड। ये कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर साउथ ऑफ द टिप ऑफ द बांग्लादेश सदर्न मोस्ट पेनिनसुला। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ से 9 किलोमीटर दूर, बांग्लादेश से 9 किलोमीटर दूर है सेंट मार्टिन आइलैंड। ठीक है, इट इज बांग्लादेश सोल कोरल आइलैंड, इकलौता कोरल आइलैंड ही बांग्लादेश का है जो कि कोरल से बना हुआ है, कोरल रीफ से बना हुआ है। राइट, इसको पहले है ना जिंजिरा भी बोलते थे इसको, जिंजिरा। ठीक है, पहले पुराने जमाने, इसकी खुद की एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। राइट, अगर आप देखेंगे तो द आइलैंड इज नोन एज नारिकल जिंजिरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोकोनट आइलैंड बोला जाता था बंगाली के अंदर इसको, ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द कोकोनट ट्रीज हियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोकोनट खाने की इच्छा थी, इसलिए वो सेंट मार्टिन आइलैंड को चाहते थे। राइट, है ना। तो देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज दारूचीनी द्वीप। ठीक है, जिसे सिनामोन आइलैंड भी इसको बोला जाता है, दारूचीनी द्वीप भी बोला है, जो होते हैं ना दालचीनी नहीं होती, ठीक है, उसकी तरह उसका द्वीप। राइट, ऐसा माना जाता है इसको। राइट, अच्छा, अब ये पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं हुआ करता था, इसका भी एक पूरा परिवार था अगर आप देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऐसा था, एक आइलैंड था बड़ा सारा। ठीक है, एक पेनिनसुला की टाइप का था, है ना, पेनिनसुला टाइप का था ये एक तरह से, जो तीन साइड से पानी से भरा, एक साइड से लैंड है उसके ऊपर। ठीक है, वो था, आइलैंड नहीं था, पेनिनसुला था ये। उस पेनिनसुला का नाम था तेनकाफ पेनिनसुला, तेनकाफ पेनिनसुला, ये याद रखना बिल्कुल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके कारण क्या हुआ कि तेनकाफ पेनिनसुला का बहुत सारा पोर्शन जो है वो सबमर्ज्ड हो गया, और यही बचा रह गया बस, और ये बचा रह गया, और ये आज इतना बड़ा आइलैंड बन गया है, किसने नौकरी खा गई इसे, हसीना की आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखें, द आइलैंड वॉज वंस एन एक्सटेंशन ऑफ तेनकाफ पेनिनसुला, तेनकाफ पेनिनसुला, बट वॉज सेपरेटेड ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ पोर्शन ऑफ द पेनिनसुला। हाउएवर, दिस ट्रांसफॉर्म्ड द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इनटू द आइलैंड, आइलैंड बन गया सदर्न मोस्ट पार्ट, क्योंकि ये बाकी का ये रह गया, बाकी का ये चला गया पानी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक आइलैंड बन जाएगा। आइलैंड और पेनिनसुला के अंदर अंतर पता है? पेनिनसुला वो होता है जो तीनों साइड से पानी से गिराओ, तीन साइड से पानी गिराओ, आइलैंड होता है जो चारों साइड से पानी से गिराओ। राइट, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बांग्लादेश मेनलैंड, बांग्लादेश मेनलैंड से इस तरह से ये डिस्कनेक्ट हो गया। राइट, द आइलैंड इज सर्फेस एरिया ऑफ ओनली 3 स्क्वायर किलोमीटर। अरे बाप रे सर, 3 स्क्वायर किलोमीटर के लिए इतना गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 3 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है अगर आप देखेंगे, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3,700 लोग रहते हैं, पर फिर भी शेख हसीना नहीं झुकी। राइट, और यहाँ पर जैसे आपको बताया गया था, कोकोनट फार्मिंग होती है, सीवीड हार्वेस्टिंग होती है, फिशिंग, राइस कल्टीवेशन ये होता है, विच इज ड्राइड एंड एक्सपोर्टेड टू म्यांमार, इनको सुखाया जाता है और एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सीवीड हार्वेस्टिंग होती है जिसके अंदर सीवीड्स को सुखाया जाता है और म्यांमार की तरफ भेज दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबके क्लियर है। अभी तो और है इसके अंदर, इसकी हिस्ट्री सुनोगे तो और मजा आएगा, है ना, इसकी हिस्ट्री सुनते हैं। तो आप देखेंगे ये पहले है ना अरब मर्चेंट ने इनको नाम दिया था जाजीरा। कितने नाम है भाई? जाजीरा, ठीक है, ये नाम दिया था पहले इसको। फिर 1900 के अंदर ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार, एक टीम यहाँ पे गई, उन्होंने कहा यार ये सेंट मार्टिन आइलैंड तो बहुत अच्छा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रिटिश इंडिया के अंदर रखेंगे, ब्रिटिश इंडिया का ये पार्ट हो गया, और फिर उसको जाजीरा नाम से इसको चेंज करके सेंट मार्टिन करा। अब कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि उस वक्त चिटगांव का जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम मार्टिन था, इसलिए उसके नाम पर रखा है। कुछ बोलते नहीं, ये बहुत बड़े सेंट थे क्रिश्चियनिटी के अंदर, इसलिए इनका नाम सेंट मार्टिन यहाँ पर रखा है। कैसे भी रखा हो, पर ये तो एक तरह से कब्रगाह बन गया किसका? शेख हसीना का। राइट, अब देखो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। पहले इसका नाम जजीरा हुआ करता था, अरेबियन मर्चेंट्स को जजीरा करके चढ़ाते थे। 1900 के अंदर ब्रिटिशर्स ने इसका नाम थोड़ा सुधार दिया, सेंट मार्टिन लग दिया अंग्रेजों वाला नाम, और दे आर रिपोर्ट्स द आइलैंड्स। ठीक है, इसके बाद 1937 के अंदर क्या हुआ, 1937 के अंदर आप देखेंगे आइलैंड रिमेन ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा आफ्टर म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इट। म्यांमार को सेपरेट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, है ना, ब्रिटिशर्स ने म्यांमार को सेपरेट कर दिया था ना, और यहाँ पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पर ये आइलैंड जो था वो ब्रिटिश इंडिया के साथ रहा। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के साथ रहा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इट रिमेन्ड सो अंटिल द पार्टीशन ऑफ 1947 के पास पाकिस्तान के पास चला गया। कितनों के हाथों में गया ये आइलैंड देखो। फिर पाकिस्तान के बाद जब बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ 1971, तो बांग्लादेश के हाथ में चला गया, और म्यांमार बोल रहा है कि साहब ये ब्रिटिशर्स ने हमारे हाथ में से ही छीन लिया था, पर अब ये हमारा ही आइलैंड होना चाहिए था। बांग्लादेश और म्यांमार आपस के अंदर खूब लड़े।
पर 1974 के अंदर एग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है, आपस में घूम नहीं रहे, मतलब इनके इश्यूज हुए, ठीक है। 1974 में एक एग्रीमेंट हो गया जिसमें म्यांमार ने बांग्लादेश को कहा ले जा तू सेंट मार्टिन, है ना, और जी ले अपनी जिंदगी, पर वो एक तरह से उन्होंने बद्दुआ दी थी उस वक्त, जो कि बद्दुआ अब जाकर उनके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को लगी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, इन 1974 बांग्लादेश एंड म्यांमार रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट अ कोरल आइलैंड वुड बी ए पार्ट ऑफ बांग्लादेश टेरिटरी। फिर भी इनकी कसक जो थी मन में रह गई थी, प्यार से नहीं दिया इन्होंने आइलैंड। और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी इनके बीच में टेंशन होती रहती है। बांग्लादेश फिशरमैन ऑफन यूज देयर बोट टू द आइलैंड ए मेजर फिशिंग अप एंड फेस डिटेंशन वायर फायरिंग वार्निंग फ्रॉम द म्यांमार नेवल फोर्सेस, क्योंकि दिल से नहीं दिया था ना इन्होंने, इस तरह से आप इसके अंदर देखते हैं, राइट। तो इनके बीच में इशू था, राइट। इसके बाद 2012 के अंदर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ फॉर लॉ ऑफ सी ITLOS, ठीक है, इसने कह दिया कि भाई बांग्लादेश की सोवरेंटी इस आइलैंड के ऊपर, म्यांमार तुम ज्यादा ना उड़ो, ठीक है, इस तरह से उसको इस तरह से बोल दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेंट मार्टिन आइलैंड। ये सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में मैंने आपको सब कुछ इसके अंदर बता दिया। नेक्स्ट इज अबाउट द कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स की अलग कहानी है। गवर्नमेंट ने पहले इसके अंदर कुछ 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 चेंज करा था, फिर वापस से कुछ 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 चेंज को हटा दिया है, राइट, वापस से रोल बैक कर दिया, क्योंकि इस बार अपोजिशन बहुत तगड़ा हो रखा है। देखो आप, ब्रॉडकास्ट बिल जो था उसको भी हटवा दिया अपोजिशन ने, ठीक है, और इसको इसका इसका क्रिटिसिज्म कर करके इतने कान खा गए, कानों में खून निकलने लग गए उनके, राइट। तो वो क्या करने लगे, उन्होंने फिर इसको हटा ही दिया, बजट के अंदर जो बोला उसको वापस से रोल बैक कर दिया, राइट। तो अब क्या है कैपिटल गेन टैक्स के अंदर, क्या हुआ था, इंडेक्सेशन क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा देता हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भाषा के अंदर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, वो आपको कवर करवा देता हूँ। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई सोना खरीदा 2010 के अंदर, ठीक है, और उस सोने का 100 रुपए का था। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सा सोना खरीदा। हाँ भाई, एग्जाम्पल है, 100 रुपए का मैंने सोना खरीदा और वो मैंने 2022 के अंदर ये 10,000 रुपए में बेच दिया किसी को, तो गवर्नमेंट कहेगी वाह भाई वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा शाहरुख खान टाइप के निकले, 2022 के अंदर जाके आपने 10,000 में इसको बेच दिया, मतलब आपको कितने रुपए का यहां पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, अगर हम देखेंगे तो यहां पे 9,900 रुपए का प्रॉफिट हमको हो गया। तो गवर्नमेंट कहेगी इस 9,900 रुपए के ऊपर हमको भी कुछ दे दो, हमको थोड़ा सा आप क्या करो टैक्स दे दो। हम कहेंगे कहें, तो गवर्नमेंट कहेगी क्योंकि आपका जो कैपिटल हुआ उसका गेन हुआ ना, 100 से 10,000 का हो गया गेन हुआ, तो गेन के ऊपर तो हम तो हमेशा प्रॉफिट के ऊपर तो हम टैक्स लेते हैं, इसीलिए कैपिटल के गेन के ऊपर हम तुमसे टैक्स लेगा। हमने कहा हम नहीं देगा, फिर भी गवर्नमेंट ने कहा लेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया तो फिर हमको देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने कहा ये कैपिटल गेन जो होगा, ठीक है, वो तभी होगा जब आप इसको बेचोगे, तो अपने पास रखोगे ना तो उसको ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन कितना भी हो जाए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, पर जो ही आपने किसी को बेच दिया तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कैपिटल गेन का मतलब समझ में आया, कैपिटल गेन टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन द कैपिटल गेन गेन्स, ठीक है, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर्स रियलाइज व्हेन ही सेल्स ए कैपिटल एसेट फॉर ए प्राइस दैट इज हायर देन द परचेज प्राइस, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इस तरह से इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है सभी के ऊपर, जैसे इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी एसेट हो आपका उसके ऊपर गेन हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के अंदर दो तरह के इसके अंदर बोला गया, एक हुआ, एक तो अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म CGT और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए के अंदर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने छोटे समय के लिए अपना कैपिटल रखा है, एसेट रखा है, और फिर उसको बेच दिया है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला जाएगा। अगर लंबे समय तक के लिए रखा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया। अभी शॉर्ट टर्म का क्या हुआ, यहाँ पर सीन सुनो, मान लीजिए कोई एसेट है वो 36 मंथ से कम तक आपने रखा हुआ है, ठीक है, मान लो 3 साल से कम में आपने उसको बेच दिया, राइट, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोला जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, जो मूव नहीं कर रही, इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, जैसे लैंड हो गई, उसके लिए ये 2 साल के लिए रखा गया, 2 साल से कम का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा,
ठीक है, अगर आपने 2 साल से कम रखा और बेच दिया तो। इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है कि उसके अंदर 3 साल से ज्यादा और 2 साल से ज्यादा, राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टीज में 2 साल से ज्यादा, इसके अंदर 3 साल से ज्यादा, तो दैट इज नोन एज व्हाट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, राइट। इसका जो होगा वो 20% इसका टैक्सेशन था, ध्यान रहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था 20% भारत के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप देख लो, एनी एसेट दैट इज हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स इस टर्म एज शॉर्ट टर्म एसेट, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ, ये सब चीजें आप पढ़ लेना। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 36 मंथ से ज्यादा का होता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, बट इन सभी चीजों के अंदर इसको 1 ईयर का टाइम पीरियड लिया जाता है, 1 ईयर से टाइम पीरियड से ज्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म लगेगा कैपिटल गेन टैक्स, अदरवाइज शॉर्ट टर्म लगेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्या सीन था और क्यों क्या हुआ, इंडेक्सेशन क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। इंडेक्सेशन क्या होता है, देखो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर है ना बहुत ज्यादा मुसीबत है। क्या मुसीबत है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने 1 लाख का घर खरीदा 2010 के अंदर। सर 2010 के अंदर आपने बहुत सारी चीजें खरीदी थी, सोना भी 2010 में खरीदा, घर भी खरीदा, भाई पैसा आया था, 2 नंबर का पैसा आया था मेरे पास 2010 में, है ना, ठीक है, कॉलेज में था जब मैं, राइट। चलो 1 करोड़ रुपए का ये क्या हुआ, ये घर हो गया 2022 के अंदर, ये मैंने 1 करोड़ रुपए के अंदर बेच दिया, तो मेरे को बताओ कितना कैपिटल का गेन हुआ, 1 करोड़ माइनस 1 लाख, ठीक है, तो 99 लाख रुपीज का मेरे को क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। अब मैं बहुत खुश हुआ, मेरे से ज्यादा खुश गवर्नमेंट होगी क्योंकि 99 लाख पे देना होगा। मैं कहूंगा गवर्नमेंट से, कहूंगा भाई साहब इस टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन नहीं हुई क्या, तुम्हें वो नहीं दिखता, इतनी इन्फ्लेशन हो गई वो नहीं दिख रही तुमको, और मेरा 1 लाख रुपए का घर 1 करोड़ में हो गया, तो तुम्हारी निगाहें ऐसे टिक गई गिद्ध की तरह मेरे 99 लाख रुपए के ऊपर, समझ आ रहा है। तो गवर्नमेंट कहेगी यार बात तो तेरी सही है, तेरी इस बात ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए, और गवर्नमेंट यहाँ पे इंडेक्सेशन करती है। इंडेक्सेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऐसे कहेगी कि भाई इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इसका प्राइस 50 लाख रुपीज होता है, समझ आ रहा है। तो तुम्हें सिर्फ अगर आप देखोगे इसको, क्योंकि 1 करोड़ रुपए मतलब 50 लाख रुपीज ही तक का ही आपको यहाँ पर इसका फाइनल प्राइस इंडेक्सेशन वाला जो कॉस्ट होगा वो इस तरह से होगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो आपको सिर्फ 49 लाख के ऊपर क्या देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ये हुई ना बात, ठीक है। तो इंडेक्सेशन ये होता है, दिस इज नोन एज इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट और इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन ऑन इट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आज एसी वेसी बंद हो रखा है, ठीक है, चल नहीं रहा है, खराब हो चुका है, इसलिए थोड़ा पसीने में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो और इसको शेयर करो वाइडली, राइट। चलो मत करो, मजाक कर रहे हैं। पुट सिंपली इट इन्वॉल्व्स रिवाइजिंग अपवर्ड द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द एसेट बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ फॉर विच इट वॉज हेल्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको इंडेक्सेशन का मतलब समझ में आ गया। अब भाई ऐसा इन्होंने क्या करा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में क्या कहा जो उसको वापस लेना पड़ गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं जो है ना LTCG टैक्स को रिड्यूस कर रही हूँ। रिड्यूस कर रही हूँ का मतलब क्या है कि 20% टैक्स की जगह तुमको अब देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 12.5% टैक्स, तड़ा, राइट। तो इससे तो तुमको खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा साहब हम खुश नहीं होंगे इससे, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम इंडेक्सेशन भूल जा रहे हो इधर, मतलब अब आपको 99 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, पर पहले 20% देना पड़ता था तो अब 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये चीज भूल जाओ तुम, ये इंडेक्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था ये भूल जाओ, अब आपको 99 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो देखो बजट के अंदर 12.5% इस तरह था, राइट, पर उन्होंने कहा एलिमिनेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। तो अब अपोजिशन इसके ऊपर चिल्ला पड़ेंगे कि भाई तुम, हम अपना प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, आम आदमी क्या करे, मर जाएगा, राइट, क्या करूं मैं, मर जाऊं, राइट, इस तरह से ये अपोजिशन बोलेगा इसके अंदर। तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है यार मत मरो मत, तुम एक काम करो कि अब 2 ऑप्शन है, या तो 20% विद इंडेक्सेशन दे दो या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन दे दो, ठीक है, ये कर दो। और दिस इज व्हाट कि इसके इसी चीज को बोला जा रहा है रोल बैक कर लिया गवर्नमेंट ने, है ना, गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल करके उन्होंने कहा 2 ऑप्शन है, जिसमें भी तुम्हारा कम लग रहा हो कैपिटल गेन टैक्स वो आप ऑप्ट कर लो। आई होप दिस इज क्लियर, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा
गर्मी ज्यादा है राइट, तो इतना ही क्लास रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो राइट। और एक काम और करिएगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए बार बार में, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि प्रीलिम्स मई के अंदर है भाई, तब तक तो हम तो भाई बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, तब तक है ना, हम तो एक महीने के अंदर पूरा करंट अफेयर्स निपटा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो स्टार्टिंग से आप चलोगे, स्टार्टिंग से अगर प्रिपरेशन करोगे तभी जाकर चीजें होगी, नहीं तो लास्ट के अंदर इतनी हाबड़ताबड़ होगी ना, समझ में नहीं आएगा क्या करें राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।